वालेकुम, मैं मौजूद हूँ अपने फार्म में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये मेरे साथ पता है कौन है? जेस्पर। पता है, ये जेस्पर ना पहले मुझे मर्द मर्द लगता था, तो मैंने जेस्पर नाम रख दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ना फीमेल है, क्योंकि अच्छे खासा बड़ा हो गया है। और इसके ना इस छोटा ताज है, मेल के बहुत ज़्यादा बड़ा ताज हो जाए, तो इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि ये जो है ना फीमेल है। तो जाओ जेस्पर, तुम खेलो ना। क्या हो गया, तुम्हारे सारे दोस्त मार दिए उन्होंने चूहों ने। अब देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे कंधे पे जेस्पर बैठा हुआ है, मेरे सामने मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। एक जेस्पर नीचे आ गया मेरे पाँव के पास। सही है, ये मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, ये मुर्गियाँ, ये पीछे चार्ली और चेरी। चार्ली ने कुछ भी नहीं किया, डर के भाग गई वो, और फिर से मेरे कंधे पे चढ़ गया जेस्पर। इसको देखें आप, इसकी हरकत है। तो मैं वापसी आ गया हूँ। जेस्पर ने मेरे यहाँ पे जो है ना काट लिया। उसको इतना प्यार आ रहा था मुझ पर कि मेरे होठों पे काट लिया, इतनी ज़ोर से काटा ना इसने। क्या भाई, ये क्या हरकत है तुम्हारी जेस्पर? हाँ, भागो यहाँ से, तुम बहुत बदमाश हो तुम। ये चार्ली साहब इस तरह से बैठे हैं, मैं आपको दिखाता कि चार्ली किस तरह से ना सबको बचाता है। लेकिन अभी किसी की लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही। अगर लड़ाई होगी ना, तो मैं चार्ली को आवाज़ लगाऊंगा और बोलूंगा इसको देखो, तो जाके ना उसको चार्ली बचाएगा। चार्ली अभी ना मसरूफ था थोड़ी देर पहले, इसने इतना बड़ा गड्ढा किया है, देखें पागल ने। और जेस्पर तुम पीछे ही रहो मुझसे, तुम बड़े ख़तरनाक हो रहे हो। जाओ जाओ अपने दोस्तों में खेलो, तुम जाकर है ही नहीं दोस्त, फिर भी खेलो तुम। और दोस्तों, ये आ गए हैं पौधे वहाँ पे लगाने के लिए, जो मैंने बताई थी जगह, वहाँ पे लगेंगे ये पौधे। बहुत सारे नहीं लगेंगे, सिर्फ कुछ लगेंगे इसमें से। इसमें कुछ फल के भी हैं, जैसे कि ये आम का है शायद, तो इसी तरह से शायद ये वाला जामुन का है, मुझे खुद से कंफर्म नहीं है। ये तो मोरिंगा का है, ये नीम का है, इस तरह से दरख्त हैं। तो ये हम वहाँ पर लगाएंगे। तो कुछ ज़्यादा टाइम हो गया होगा, तो देखें इसमें से मिट्टी ख़त्म हो गई है, ये जल्दी लगाना पड़ेगा। ये है, और ये देखें ये चिपके हुए, और इनको अभी भी रस्सी से हमने बांधा हुआ है, क्योंकि इसको चुपका ली देगी है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई वो, तो मुझे पता है यहाँ पर है। चीकू ये रही इधर है, इधर है, खानी है तुमको? नहीं, उसको नहीं खानी, उसको परवाह ही नहीं है। ये बात है, बंदर होते बड़े क्यूट हैं, मगर ये जो है ना बस बदतमीज़ है। ऐसे बंदर काटते नहीं है, मारते नहीं है, ये बहुत काटता मारता है। मारना नहीं प्लीज़, अभी इस वक्त नहीं मारना, अभी वीडियो बन रही है ना, इस वक्त थोड़ी सी इज्जत रख लो मेरी चीकू। अच्छा, ये रस्सी पकड़ के चलते हैं अपनी, ताकि जो है ना इसके गले पे ना ज़्यादा भी जोर नहीं पड़े, और हम भी कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा भी ना जोर ना पड़े। तो जहाँ ये जाएगा वहाँ हम इसको ले जाएंगे इस तरह से। बस ये किसी पे हमला ना कर दे, अभी भी एक अंकल पे हमला करने वाला था, इसको रोका है, वो वहाँ पे खड़े हुए। और दोस्तों, यहाँ पे ना चील ने अभी हमला कर दिया थोड़ी देर पहले, पता नहीं क्या हुआ, चील ने हमला कर दिया चीकू के ऊपर। तो मैं चीकू को लेकर ना यहाँ पे साइड पे दरख्त के नीचे आके बैठ गया हूँ। दोस्तों, ये होती है हालत चीकू के पिंजरे की, जब ये बाहर आता है ना, तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। हम झाड़ू ले आएँ, और पूरा ऊपर तक, ऊपर भी गंदगी की हुई है इसने, सही है, ऊपर से नीचे तक ना साफ़ करना है। और ये बॉले वाले निकालनी है, ये बोतल को सही करना है, और इसके अंदर पानी भरना है, वहाँ पे हमने पानी खोला हुआ है, ऐसा चमका दिया हमने पहले, और अब इसको सही कर दिया बोतल को, इसमें पानी भरेंगे। और चीकू वहाँ ऊपर चढ़ा बैठा हुआ है। तो अभी दोस्तों, इन दोनों थैलियों के अंदर से ना मैं क्या कर रहा हूँ कि बोतलियाँ निकाल लूँ, और उसको अलावा जो चावल है ना उसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, पानी में डाल लूँ, और फिर इसके अलावा ना मैं अलग से धोऊँगा। अब चार्ली बैठा हुआ, ये देखें चार्ली को, देखें खड़ा हुआ देख रहा है ऊपर, चेरी खड़ी हुई देख रही है। तो क्या है पता है, कि अगर यहाँ पर कोई भी कौवा आ रहा है ना, तो उसको चीक चीक के डर डर के भगा रहे हैं ये दोनों। इस भुक्कड़ की हरकतें देखें, इसने जाली गिरा दी है, और जो है ना इसको लग रहा है कि ऐसे खुल जाएगा दरवाज़ा, इसने जाली गिरा दी, इसको भूख लग रही है। तो भाई मैं देर हूँ, सबर हो रही था उससे। चार्ली ये किसने किया? ऐसे पीछे होकर खड़ा हो गया, जैसे कि ना इसने कुछ किया ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रहा किसने किया हरकत। चार्ली इधर आओ, जाली किसने तोड़ी है ये? तो मासूम बना रहे, इसको पता ही नहीं है ऐसे कि पीछे हट गया, छुप गया। ये होती है इसकी हरकत, है छुप गया चेरी ऊपर। चेरी तुमने किया ये? उसकी पलके झपकी, बस वो सोती रहेगी पड़ी हुई। चार्ली ये किसने किया, ये जाली किसने खराब किया, बताओ? आपने तो नहीं की ना, किसने की ये खराब? ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, बताओ बताओ? इसने मुर्गी ने किया, किसने किया ये? ये देखो इसको किसने किया खराब, बताओ? ये अच्छी खासी यूं बंधी हुई थी, ये यूं कैसे गिर गई, बताओ किसने किया?
तुमने किया इसी मासूम की शक्ल बना ली ना, अब तुम्हें डांट भी नहीं सकते अच्छे बच्चे। अब नहीं करना ऐसी हरकतें, तुम्हें खाना तो देंगे ना, खाने के लिए तुमने ऐसी हरकत कर दी। चलो अब बाहर चलते हैं। ओए कछुआ जा रहा है हमारा। कहाँ जा रहे हो? चल इसको देखो, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पास आ रहे थे, थोड़ी देर में देता हूँ तुमको भी खाना। चार्ली चले बाहर। चैरी अपना खाना ठूस रही है, आराम से ठूसो, चार्ली को हम बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखे मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहीं मेरा कछुआ आ रहा है। अब मैं इधर जाके खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी देर में घूम के ये मेरे पास आएगा। ये देखे घूम गया। ये देखे मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ और ये मेरे पास आ रहा है। इसको पता है मैं हूँ खाना देने वाला। चार्ली आओ चले। हाँ खाना देता हूँ, रुक जाओ ज़्यादा, चार्ली को बाहर निकाल दूँ फिर। चार्ली को हम बाहर ले आए, उसका खाना दे दिया, ये ले जाके हम चैरी को दे देते हैं। चैरी खड़ी हुई ऐसे देख रही है नदियों की तरह से, और दे देते हैं अभी। चैरी ने वैसे बहुत खा लिया है फिर भी और देती है। चलो चैरी। हाँ अब हमारा कछुआ कहाँ है? कछुआ ये खड़ा हुआ। ए मैं ये रहा, अभी तुम्हारे लिए भी कुछ लाते हैं इसमें से, इसमें से छानबीन करेंगे, जो अच्छी चीज़ लगेगी ना वो उसके लिए। अभी मैंने इसको खाना दिया, लेकिन ये लोग छीन छीन के खा रहे हैं। अब इसको ना कुछ अंदर देंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और इस जगह पे ना इसको देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं मेरे बच्चे को। बल्कि तुम्हें लेके चलता हूँ साथ साथ, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं ज़्यादा। पे हम लोग क्या लेके आएंगे भाई, बताओ क्या चाहिए तुमको, क्या खाओगे तुम? एक काम करते हैं तुम्हें उसके गुल मोहर के फूल खिलाते हैं, सही है ना? चलो ये हम पहुँच गए फूल के पास। अब डायरेक्ट खाना है तुम्हें या उतार के दूँ? अभी तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तोड़ के देता हूँ ये फूल। देखिए हम फार्म में आ गए और ये लोगों ने गुलमोहर खाना शुरू कर दिया। चलो तुम लोग आराम से खाओ और मैं वापसी बाहर चलता हूँ, ज़रा मुर्गियों को चावल डाल के आते हैं। ये कुछ पौधे मैंने जमा कर लिए यहाँ पर, ये हम लगाएंगे कुछ यहाँ पे, वरना वहाँ पीछे वाले फार्म में भी लगाने तो पौधे और चाहिए होंगे, कम पड़ जाएंगे ये। तो दोस्तों चीकू को पिंजरा हमने बिल्कुल रेडी कर दिया, ये देखें ये रखे हुए हैं। तो चीकू खाएगा ना इसको खोल खोल के, इसमें से बीज निकलते हैं, बहुत शौक से खाता है चीकू को, बहुत मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें चीकू के लिए, एक फूल गोभी भी रखी हुई है, बाकी खाना बाद में देंगे। अभी इसको बहुत सारे आलू खिलाएँ बिरयानी वाले, और अब चीकू को बंद करते हैं। सही है चीकू भाई, आओ चीकू। अब ये चेक करें, ये आराम से बैठ के इसको खोल खोल के खा रहा है, इसके अंदर जितने बीज निकलते हैं ना सब खा जाता है। मज़े हो रहे हैं जनाब के, ये सब बाहर बैठे हैं। नीचे आएगा बीज ख़त्म होंगे, फिर से उठा के ऊपर ले जाएगा, ऊपर बैठ के खाएगा। यही हो रहा है चीकू। सब्सक्राइब।